यदि बात भारत की हो रही हो और उसमें क्रिकेट की बात न हो तो वो चर्चा ही अपने आप में अधूरी सी लगती है। यहाँ लोग क्रिकेट को धर्म की तरह पूजते हैं और क्रिकेटर्स को भगवान मानते हैं। क्रिकेट के प्रति इसी दीवानगी ने हमारे देश में कई प्रतिभाशाली क्रिकेटर्स को जन्म दिया। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही प्रतिभाशाली क्रिकेटर की बात करेंगे जिसने अपने प्रदर्शन के बल पर आज हर क्रिकेट प्रेमी के जहन में अपना नाम अंकित किया है। हम बात कर रहे हैं भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल की। तो इस वीडियो में हम आपको केएल राहुल के शुरुआती जीवन से लेकर उनके अब तक के क्रिकेट के सफर के बारे में बताएंगे। केएल राहुल का पूरा नाम कन्नूर लोकेश राहुल है। इनका जन्म 18 अप्रैल 1992 को कर्नाटक के मैसूर नामक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम केएन लोकेश है, जो कि पेशे से प्रोफेसर हैं। साथ ही साथ वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। केएल राहुल की मां का नाम राजेश्वरी है, जो कि मैंगलोर यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। राहुल के पिता क्रिकेट के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और क्रिकेट के प्रति उनकी दीवानगी इस कदर थी कि वो अपने बेटे का नाम भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के बेटे के नाम पर रखना चाहते थे। लेकिन नामकरण के वक्त उन्हें लगा कि सुनील गावस्कर के बेटे का नाम राहुल है और इसी गड़बड़ी के चलते उन्होंने अपने बेटे का नाम रोहन के बदले राहुल रख दिया और बाद में उन्होंने इस नाम को बदलने की जरूरत नहीं समझी। राहुल ने अपनी शुरुआती शिक्षा मैंगलोर के NIT के इंग्लिश स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद इंटर कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने मैंगलोर के ही सेंट एलोइसिस कॉलेज में दाखिला लिया। 10 साल की उम्र से ही राहुल ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। जब वो 18 वर्ष के हुए तो अपनी पढ़ाई और क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए वो बैंगलोर शिफ्ट हो गए और जैन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने क्रिकेट की बारीकियों को भी सीखा। वर्ष 2010 में कर्नाटक की टीम से खेलते हुए केएल राहुल ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। उसी वर्ष उन्हें भारत की अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम के लिए भी खेलने का मौका मिला। वर्ष 2013-14 के घरेलू क्रिकेट में राहुल ने बल्ले से शानदार खेल दिखाया। इसी दौरान 2013 के IPL ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने उन्हें साइन कर लिया। IPL के उस सीजन में राहुल ने बैंगलोर की टीम के लिए 5 मैच खेला, जिसमें वो महज 20 रन ही बना सके। 2014 के IPL में भी राहुल का प्रदर्शन एक बार फिर निराशाजनक रहा और टूर्नामेंट के 11 मैचों में वो सिर्फ 166 रन ही बना पाए। अपने इस प्रदर्शन के बाद राहुल ने घरेलू क्रिकेट में खूब मेहनत की और फिर 2014-15 के दिलीप ट्रॉफी में साउथ जोन की टीम से खेलते हुए सेंट्रल जोन की टीम के खिलाफ राहुल ने पहली इनिंग में 185 रन और दूसरी इनिंग में 130 रन की शानदार पारी खेली। राहुल की इस पारी के बाद सेलेक्टर्स की नज़र उन पर पड़ी और उनका चयन 2014-15 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रही भारतीय टीम में हुआ, जहां उन्होंने अपने टेस्ट करियर का आगाज किया। लेकिन उनका टेस्ट डेब्यू उतना शानदार नहीं रहा। अपने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में राहुल 3 रन बना सके, जबकि दूसरी इनिंग में वो महज 1 रन बनाकर आउट हो गए। पहले टेस्ट मैच में फेल होने के बावजूद राहुल को अगले टेस्ट मैच में एक बार फिर प्लेइंग 11 में जगह मिली और इस बार उन्होंने मुरली विजय के साथ पारी की शुरुआत करते हुए शानदार 110 रन की पारी खेलकर अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद घरेलू क्रिकेट में भी केएल राहुल का शानदार खेल बरकरार रहा और 2014-15 के रणजी ट्रॉफी के एक मैच में कर्नाटक की टीम से खेलते हुए उत्तर प्रदेश की टीम के खिलाफ उन्होंने 337 रन की पारी खेल डाली। IPL के शुरुआती कुछ वर्षों में केएल राहुल भले ही कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन वर्ष 2016 उनके लिए काफी बेहतर रहा था। उस सीजन में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम से खेलते हुए IPL के 14 मैचों में 397 रन बनाया। वर्ष 2016 में केएल राहुल ने जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ अपना ODI डेब्यू किया और अपने पहले वनडे मैच में शतक लगाने वाले वो पहले भारतीय बल्लेबाज बने। उसी वर्ष राहुल ने अपना T20 डेब्यू भी किया। हालांकि अपने पहले वनडे मैच में शतक लगाने वाले राहुल अपने पहले T20 इंटरनेशनल मैच में बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। 2014 में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत करने वाले केएल राहुल लिमिटेड ओवर के शानदार खिलाड़ी माने जाते हैं। राहुल अब तक भारत के लिए 32 वनडे मैच खेल चुके हैं, जिसमें 45.08 की औसत से उन्होंने 1239 रन बनाया है, जिसमें 4 शतक और 7 अर्धशतक शामिल है। 42 T20 मैचों में 45.65 की औसत से राहुल के नाम 1127 रन है। अपने अब तक के T20 करियर में
केएल राहुल 2 शतक और 11 अर्धशतक बना चुके हैं। वनडे और T20 के मुकाबले केएल राहुल का अभी तक का टेस्ट रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। वो अब तक भारत के लिए 36 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 2006 रन बनाया है और उनका औसत महज 34 का है। वर्ष 2017 में चोट के चलते राहुल IPL में हिस्सा नहीं ले पाए थे और जब 2018 में IPL ऑक्शन हुआ तब किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने उन्हें 11 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया और तब से IPL में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। वर्ष 2018 में केएल राहुल ने 14 गेंद पर अर्धशतक लगाकर IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक अपने नाम दर्ज किया। इसके बाद 2019 के IPL में उन्होंने मुंबई इंडियंस की टीम के खिलाफ 64 गेंद पर नाबाद 100 रन की पारी खेलकर अपने IPL करियर का पहला शतक दर्ज किया। मौजूदा समय में राहुल IPL में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की कप्तानी कर रहे हैं। तो ये थी भारत के क्रिकेटर केएल राहुल की कहानी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।